सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोगन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक, जिसमें कि हम आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हायर के डिस इन्वर्टर एयर कंडीशन के F21 एयर कोड के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये स्पेशल कोड किन मॉडल्स में आता है और इसका क्या मसला होता है जब ये एयर कोड डिस्प्ले पे शो हो जाए और इसका हल क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी देखिएगा ताकि तमाम मुकम्मल तफसील आपको मालूम हो सके और आप इसका एरर कोड ठीक कर सके और यूनिट को दोबारा से वर्किंग कंडीशन में वापस लेके आ सके। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप हमारी तमाम वीडियोज को एंजॉय कर सके और कुछ सीख सके कि आपने ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। तो दोस्तों, ये रहा हायर के डीसी इन्वर्टर के इंडोर मॉडल नंबर और उसकी तमाम स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, यूनिट को हमने ऑन कर दिया है। देखें, आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि ये 16 टेम्परेचर पर हमने इसको सेट कर दिया है। तो अब इसके एरर कोड का हम वेट करेंगे, जब एरर कोड आ जाएगा तो हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि ये क्या होता है और ये किस वजह से आता है। तो दोस्तों, F21 एरर कोड जो है वो हायर के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर पे आ चुका है। तो आज हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि जब ये एरर कोड हायर के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पे आ जाए तो इसकी क्या वजह होती है और ये आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी ये एरर कोड डिस्प्ले पे शो होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके आउटडोर जो पीसीबी है उसका फ्रॉस्ट रिमूविंग सेंसर जो है वो फॉल्टी हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, या फिर उसका कनेक्टर लूज हो चुका है, तार कहीं से कट गई है उसकी। तो आप उसको चेक कर लेंगे तो ये आपका एरर कोड इससे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉस्ट रिमूविंग आउटडोर से क्या ताल्लुक है? आउटडोर जब आप सर्दियों में इसको हीट सिस्टम पर चला लेंगे तो आउटडोर जो होता है वो ठंडा होता है और इंडोर जो है वो गर्म होता है। इस वजह से इस कंपनी ने ये फंक्शन इसमें रखा है कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ सिस्टम पे आनी शुरू हो जाए तो वो सेंसर उस वक्त काम कर रहा होता है। तो इस वजह से ये अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, आए हम आपको दिखाते हैं कि आउटडोर में ये पीसीबी में कहाँ लगा होता है और यूनिट के अंदर इसका सेंसर किस जगह पर लगा होता है। तो दोस्तों, ये रहा हायर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का आउटडोर मॉडल और उसकी तमाम स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, ये रहा इसी मॉडल के आउटडोर पीसीबी या सर्किट। तो देखें, ये जो ग्रे कलर की वायर है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रे कलर की जो वायर है और वाइट कनेक्टर है, तो इसी को फ्रॉस्ट रिमूविंग सेंसर कहा जाता है। और आपको मैं ये तफसील से बता देता हूँ कि ये सेंसर कहाँ पर इंस्टॉल होता है। देखें, ये इसकी पोजीशन ये है, देखें यहाँ पे लगा होता है। मैं अब इसको थोड़ा निकाल लेता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको बाहर निकाल लें ताकि आपको मैं दिखा दूँ। ठीक है जी, ये देखें इसकी पोजीशन, ये देखें थोड़ा मुश्किल से निकल रहा है, निकाल लिया इसको। देखें, ये इसका सेंसर कुछ इस तरह दिखाई देता है और ये हीट एक्सचेंज के एंड पर और एक्सपेंशन वाल्व से पहले ये इंस्टॉल होता है। तो इसका फंक्शन कुछ इस तरह काम कर रहा होता है कि इंडोर जो है वो हॉट हो रहा होता है और आउटडोर कूल सिस्टम पे चल रहा होता है। तो इसलिए जब इंडोर से गैस गुजर के आउटडोर की तरफ आती है तो इस एक्सपेंशन वाल्व से गुजर के जो हीट एक्सचेंजर है उसको ठंडा कर देती है। और वैसे भी जो है टेम्परेचर जो है ठंडा होता है, तो जब गैस यहाँ पे इसे गुजरती है तो और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ आना शुरू हो जाती है। और जब ज़्यादा बर्फ़ हीट एक्सचेंजर पे आ जाए तो ये सेंसर काम करता है और ये पीसीबी को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, माइनस डिग्री में काफ़ी ज़्यादा चला गया है। तो वो इसको बंद कर देता है कंप्रेसर को, और जब कंप्रेसर बंद हो जाता है तो सिर्फ इसका आउटडोर फैन जो है वो चलता है, जिससे कि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और दोबारा फिर यही सेंसर पीसीबी को कॉल करता है तो कंप्रेसर दोबारा ऑन हो जाता है और फंक्शन नॉर्मली काम करना शुरू कर देता है और आप इंडोर यूनिट से हॉट एयर इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।